السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد فقال الله تبارك وتعالى رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين صدق الله العظيم تمام قسم الكتابه وبرايه والبزرغي الله رب العالمين كليه जो मालिक अर्ज़ समा है ख़ाल कायन है रब और पर भी दरूद और सलाम हो अजीज साथियों बुज़ुर्गों माओ बहनों और ख़ुतिन इस्लाम आज की ये मजलिस ये यूसुफ़ यूसुफ़लम की ज़िंदगी पर गुफगू करने का जो हमने आगाज़ किया था आज उस सिलसिले की आखिरी कड़ी है आज की मजलिस में हम इन श्लाफलम की ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा देखने वाले हैं अगरचे के वाक़े के अक्सर बेशतर मौक़ अक्सर दरूस व इबर अक्सर व बेशतर बातें गुजर गई अलहदिल्ला अब क़स्से के आखिरी हिस्से में हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि यूसुफ ने अपने भाइयों की आमद के इंतज़ार में उन्होंने दिन काटना शुरू किया हम जानते हैं कि अल्लाह सुबहाना तैाल ने यूसुफ सलाम को पूरे मिस्र के ज़िम्मेदार अल्लाह ने बना दिया ख़ास तौर पर वो ख़्वाब की तबीर जब उन्होंने बादशाह के सामने पेश की और साथ साथ उसका हल पेश किया तो बादशाह यूसुफ़लम से इतना मुतािर होता है कि उसने यूसुफलम को पूरी जिम्मेदारी दे दी और यूसुफ जिस हसन तदबीर के साथ जिस हसन तनसीक़ के साथ इन चीज़ों को तरतीब देना शुरू की तो मिस्र के अंदर इनकी काफ़ी शहरत हो गई मिस्र में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो यूसुफ को नहीं जानता हो और उनके अखलाक और उनका अकल और उनका फहम और उनका जहन इतना कारगर और इतना मौसर साबित हुआ के सारे मिस्र के अंदर आपकी शहरत हो गई तो हुआ ये कि यूसुफ सारे मिस्र के तकरीबन बादशाह हो चुके थे जो असल बादशाह थे और बिल्कुल वो खामोश हो गए क्योंकि यहाँ पर अलैहिस्सलाम के अलावा कोई इन पेचीदगियों का हल दे नहीं सकता जो परेशानियाँ आ गई थी उन परेशानियों का हल यूसुफ के अलावा तो किसी और के पास नहीं था तो यहाँ पर अलैहिस्सलाम ने उस बादशाह के मातहत रहते हुए देखिए एक नबी हैं एक रसूल हैं अल्लाह के पैम्बर हैं अल्लाह की वही इनके पास आती है और ये एक बादशाह के मातहत हैं लेकिन इन्होंने उस दौर में मिस्र के अंदर इस्लाम के पैगाम को पहुंचाया, पूरे अखलाक के साथ पूरे हसन तदबीर के साथ उन्होंने इस मौके का ग़लत इस्तेमाल नहीं किया ये नहीं किया कि अब मैं ताकत में हूं मेरा दिन इस्लाम है अब चलो लोगों पर जोर डालूं लोगों को जोर के जरिए से उन्हें मजबूर करूं कि वो इस्लाम कबूल कर लें यूसुफ ने ऐसा नहीं किया जबकि अलैहिस्सलाम रसूल होने की वजह से उन्होंने अपनी दावत का सिलसिला बाकी रखा उनकी दावत पर लब्बे कहने वालों की बड़ी तदाद हो गई लेकिन उसके बावजूद मुसलमान वहां पर माइनॉरिटी में थे और गैर मुसलमान मेजोरिटी में थे और ये बस्ती के बादशाह हैं इन्होंने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इन दोनों के दरमियान बेहतरीन अंदाज से तदबीक दी उन्होंने उनकी ज़रूरियात को भी पूरी की और अपने अखलाक भी दिखाए और मौके के ताक में होते जैसा ही मौका मिलता वहाँ पर इस्लाम की उस अजीम दीन को भी पेश करते तो ये इनकी ज़िंदगी का बहुत ही अहम अनसर है अगरचे कि कुरान ने इस नाही से गुफ्तगू नहीं की क्योंकि कुरान जिस नाइए से ही सलाम के वाक्यों को पेश करते हुए जा रहा था कुरान असल में यूसुफ़ सलाम की ज़िंदगी में जो उतार व चढ़ाव आया और कैसे अल्लाह ने यूसुफ़ सलाम को गुलाम होने के बावजूद बस्ती का बादशाह बनाया और ज़िंदगी में उनकी क्या क्या दिक्कतें आएँ उस पर कुरान रोशनी डालता है अगर कोई आदमी उस जमाने की तारीख को पढ़कर यूसुफ सलाम ने कैसे वहाँ पर अपनी हुकूमत चलाई और मुसलमान होते हुए गैर मुसलमानों के अंदर कैसे इंसाफ कायम किया ये एक तारीख का बहुत ही सुनहरा बाब है ये बहुत ही अहम चीज़ है अगर हम इस नाहिए से तारीख का मुताला करें बहरहाल बात गये गये, तो आगे बढ़ाइए तो अल्लाह सुबहान तौने यूसुफ् को ज़मीन में मुकम्मल सतवत और ताकत दी डोमिनेट हो गए पूरी जमीन में, की जमीन में। अब उसके साली के वो खतरनाक साल आए ऐसी के, के आया बल्कि पूरे आस पास के इलाके सब इस सुकाड़ के जद में आ गए सब के यहाँ गले खाली हो गए और अनाज खत्म हो गया भूख को प्यास आम हो गया तो सब आसपास के लोग आने लगे और हमने देखा कि कैसे यूसुफ सलाम के भाई भी यूसुफ के दरबार में हाजिरी देते हैं और यूसुफ सलाम ने उन्हें पहली मर्तबा किस अंदाज से उनके साथ सुलूक करते हैं और किस खुश दिली के साथ उनके साथ पेश आते हैं ये पूरी तफसील हमने गुज़िश्ता की मजलिस में देखी तो यूसुफ ने पहले उस जमाने में तरीका यह था कि जो भी ग़ा के लिए पैदावार के लिए महसूल के लिए अनाज के लिए इनके पास आता तो यूसुफ उनके पास कुछ लेते बतौर इवज़ उनसे कुछ लेते और उसके इवज़ उन्हें गल्ला देते तो लोगों के पास पैसे थे कोई आता अशरफियां लाता कोई दरहम लाता कोई कपड़े लाता कोई जानवर लाता उनके पास जो भी माल था वो ले आते और उसके बदले यूसुफ्लम से अनाज का माल लेकर जाते थे ये उस जमाने का तरीका था तो यूसुफ यूसुफ्लम ने जब इनकी पहली आमद हुई भाइयों की तो यूसुफ आलाम ने उनके गले को वापस किया और कहा कि जाओ तुम्हारे उस भाई को भी लाओ जो तुमने अपने वालिद के पास छोड़ दिया था तो वो गए दूसरी साल जब आए तो भाई के साथ लाए और यूसुफ अल्लाम ने अपने भाई को अपने पास रोक लिया एक साल के लिए अब जब भाई उनके जिनका नाम बिन्यामीन था उनके जो सगे भाई थे उन्हें यूसफ असलाम ने अपने पास रोक लिया अब यूसुफ यूसुफ्लम के जो छोटे भाई थे जिन्हें याकूब आसमाम भेजने के लिए तैयार नहीं थे लेकिन इन्होंने वादे वईद करके है ना बड़े बड़े कस्बों को उठाकर उन्होंने बिन्यामीन को पहुंचाया था अब यूसुफ ने बिन्यामीन को अपने एक तदबीर के तहत उन्होंने अपने पास रख लिया तो इनके बड़े भाई जिनका नाम रोबिन था वो वापस जाने से इनकार कर देते अपने हैं अपने भाइयों से कह देंगे जाएं आप वालिद साहब को समझाएं मैं किस सूरत से मेरी वालिद साहब के सामने मैं जा सकता हूं बिल्कुल मुझसे मुमकिन नहीं मैंने तो कसम उठाई है तो मैं जब तक बिन का मसला हल नहीं होता मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं आप जाओ जाकर वालिद साहब को बता दो तो दूसरे भाई गए जाकर उन्होंने उनके वालिद को बताया कि यहां पर मसला यह हुआ कि आपके लड़के ने चोरी की और इस वजह से वहां के बादशाह ने अपने पास रोक लिया अब एक साल तक वापस आने का कोई इम्कान नहीं

वो अपने अंदर निगलता है उसे अपने अंदर कर लेता रहता है इसे कहते हैं कदीम तो अल्लाह सुबहान तै नेूब को कहा कि वो कदीम इंतहाई इंतहाई सबर के कड़वे घूट पी रहे थे अब यहाँ से ख़बर पहुंची कि बिन भी वहाँ पर रुक गए हैं अब वो भी आने वाले नहीं तो याकूब आल्लम ने कहा कि अल्लाह मुस्तान मैं अल्लाह ही के तरफ रुजू करता हूँ वो अश्कू मेरा गम मेरा हजन मेरा मलाल मैं इसकी शिकायत सिर्फ अल्लाह के पास करता हूँ ये कह के वो अपने गम के अयाम को और आगे बढ़ाए और उसके बाद उसके बाद अपने बेटों से कहा कि तुम बैठ कर क्या करोगे जाओ कुछ ना कुछ कोशिश करो उन्हें लाने के लिए कुछ करो तो ये कह के याकूब अलैहिस्सलाम खामोश रहे तो उसके बाद फिर उनके भाई चंद दिनों के बाद फिर काफिले में फिर मिस्र पहुंचते हैं तो ये इनका तीसरा आमद हो गया पहले मरतबा आए गल्ला लेकर गए और या यूसुफ अलहम ने उनसे जो पैसे लिए थे वापस कर दिए दूसरी मरतबा आए तो यूसुफ तो यूसुफ्लम ने बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया था अब तीसरी मरतबा निकल कर आते हैं अब इस बार तो इनकी हालत इतनी बुरी इतनी बुरी कुरान कहता है कि ये जब यूसुफ असलम के सामने पहुंचे तो इन्होंने कहा कि अलैना इनमत अफ हम पर सदका कीजिए यानी गरीबी भूखा भूखमारी और हाजत मंदी का ये आलम हो गया कि ये अब यूसुफ के पास सदका मांग रहे हैं पहले आए उन्होंने कुछ दिया वापस ले गए अब इस बार देने के लिए कुछ है ही नहीं अब सीधे खाली हाथ पहुँचे हैं गरीबी का ये आलम था फकर्र फाका का ये आलम था और ये यूसुफ के सामने कहने लगे तसद अलैना हम तुम्हें एक बेहतरीन बादशाह के तौर पर देखते हैं तुम्हारा दिल बड़ा खुशादा है तुम बड़े नरम दिल आदमी हो लिहाजा हम पर सदका करो अल्लाह सदका करने वालों को पसंद करता है जैसे ही ये इस मरहले को पहुंच गए यानी एक जब आदमी कहता है कि मुझे कुछ दें है ना मैं इंतहाई फकीर और इंतहाई मजबूरी के आलम में पहुंच गया हूं तो वो आदमी मांगता उस वक्त है जब वो अपनी इज्जत को खत्म कर लेता यानी इतना उसके अंदर गम और इतना हाजतमंद हो जाता है कि अब उसकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं होता अब सिर्फ ख्याल है कि पेट भरे खत्म हो जाए हाजत खत्म हो जाए जब आदमी का पेट भरता है तो बाद में इज्जत की बात आती है है ना बाद में डिग्निटी की बात आती है अब यहाँ पेट खाली है मौत हयात का मामला है तो यहां पर आदमी डिग्निटी देखता नहीं और उसे देखना भी नहीं चाहिए तो यहां के इनके भाइयों ने यही कहा अलैना आप हम पर सदका कीजिए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब इनके इस हालत को नोट किया और वो पहचान लिए कि अब ये बिल्कुल आखिरी मलहर में पहुंच गए तो यूसुफ सलाम ने कहा क्या तुम्हें याद है कि तुम लोगों ने यूसुफ के साथ क्या किया क्या तुम्हें वो चीज याद है तो जैसे ही ये कहना था जितने भी भाई थे उनके आंखें फटी की फटी रह गई उन्होंने देखा और बाज फसरीन कहते हैं यूसुफ वो लोग बिल्कुल उनके तस्वुर में भी बात नहीं थी कि एक नौजवान बच्चा जिसे इन्होंने कुएं में फेंक दिया आज इनके सामने बादशाह बनकर बैठा हुआ है और उसके सर में ताज है और उसका ठाट बाट इतना कि कोई उसके करीब नहीं हो सकता चारों तरफ उसके लिए सिक्योरिटी है, है ना ऐसे मरहले को पहुंचा हुआ है कि अल्लाह अकबर अब इस हालत में वो सूरत देख रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं कहीं ना कहीं इनके जहन में बात स्ट्राइक कर रही है कि ये यूसुफी हो सकते हैं लेकिन उन्हें ऐसे पर्दे पड़े, पड़े हुए थे कि उन्हें समझ में नहीं आया इसलिए बाज मुफरीन कहते हैं कि यूसुफ असलाम ने अपने ताज को हटाया और यहां पर कहा जाता है कि एक मस्सा हुआ था उन्होंने अपने मस्से को दिखाया तो उनके भाइयों के यकीन हुआ कि भाई ये वही है ये हमारा ही भाई है तो उन्होंने कहा अंतल यूसुफ तो वो थर्रा कर रह गए उनका पूरा जिसम लरजर अंदाम हो गया उन्होंने चीख कर कहा कि अच्छा तुम यूसुफ हो कहा कि तुम यूसुफ हो तो जब आयत पढ़ते हैं तो अल्लाह ऐसे महसूस होता है उनके भाइयों का ताजुब का वो मंजर हमारे जहन में आ जाता है जब उस आयत को आप पढ़ते हैं तो अल्लाह जैसे मैं आमतौर पर कहता हूं कुरान का अगर कोई आदमी मुताल करें कुरान के अल्फाज को जान कर पढ़ें तो वहाँ पर आदमी पढ़ता नहीं वहाँ पर मनाजिर को देखता है क्योंकि उस कुरान की फसाहत और बलागत और उसकी जो है बयान और उसका अंदाज़ इतना निराला और इतना बेहतरीन और इतना शीरीन है कि आदमी इन वाक़ात को देखता है और इसीलिए मुशरकिन जब कुरान को सुनते थे वो उनके हौश ख़त्म हो जाते थे है ना उनके औसान खता हो जाते थे कि ये कैसा कलाम है इसकी बातें हम हमारे कुफर के जिस्मों में बतौर बिजली गिर रहे हैं बतौर कड़का गिर रहे हैं तो इसलिए ये नबी नबीसम की इस कुरान को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते थे और जो भी सुनना चाहता उसे कहते कि सुनो मत ला कुरान मतलब इस कुरान को मत सुनो जब भी कुरान पढ़ा जाए शोर मचाओ हल्ला मचाओ ताकि कुरान की आयतें लोगों के कानों तक जाकर ना टकराएं क्योंकि ये जैसे ही टकराती हैं इनके दिल पानी हो जाते हैं और बड़े से बड़ा कुफर का पहाड़ भी पिघल कर इस्लाम कबूल कर लेता है ऐसे कितनी हमने मिसालें देखी है ना ता, ता, सीरत के वाकियात में इसके बहुत सारे मिसालें मैं आपके सामने एक जिमात नाम एक सहाबी का वाक्य पेश करता हूँ ये साहब जिमात जो आगे चल के सहाबी बने ये दूर दराज इलाके से मक्का पहुंचे थे और इनके पास बाज इलाज के ये माहिर थे और बास चीजों को पढ़ना या जानते थे अपने कबीले वालों के बीमारों का इसी तरीके से वो इलाज करते थे वो एक समझिए किस्म के डॉक्टर थे और काफ़ी बड़ी उम्र थी और अरबी जबान शारी में गैर मामली महारत थी तो जब मक्का आए तो मुशरकिन चूंकि वो हल्का बनाकर बैठे होते थे उनका डेरे होते थे बैठे होते थे तो जैसे ही नया आदमी देखता उसे बुलाते बुलाकर कहते कि तुम कहाँ से हो वो जब कहता कि मैं मक्का से बाहर से आया हूं तो फौरन बिठाते बिठाकर वो पूरा पाठ पढ़ाते कहते हैं कि मक्के में एक फितना आ गया है है ना एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद वो बड़े कबीले से उसका ताल्लुक है याद रखना उसके करीब भी ना जाना खास तौर पर उसकी बात ना सुनना उसकी बात में जादू है वो हमारे बहुत सारे लोगों को उसने फंसाया हुआ है तो तुम हरगिज उसकी बात ना सुनना अगर वो तेरे सामने कुछ कहना चाहे या फिर उसे तूने पढ़ते हुए देखा तो तू अपने कान में रुई डाल ले कुछ भी मत सुन क्योंकि सुनेगा तो फंस जाएगा तो जिमात ने मुश्रकी ने मक्का की बात सुनी उन उन्होंने अपने कान में रुई डाल लिया और तवाफ करना शुरू करते हैं कान को बिल्कुल पक कर लिया कुछ भी नहीं सुनेंगे और जैसे ही तवाफ कर रहे थे तो नबी चंद सहाबा के साथ वहां बैठे हैं गुफ्तगु कर रहे हैं एक चक्कर हुआ तवाफ का दूसरा चक्कर हुआ तीसरा चक्कर हुआ चौथे चक्कर में उन्होंने सोचा कि भाई मैं भी अरबी जबान का माहिर हूं है ना अरबी जबान की शेर व शायरी से मुझे भी बड़ा लगाव है और यह साहब के चेहरे से ऐसे मालूम नहीं होता कि साहब झूठे हैं या फिर इनके पास जादू है क्यों ना हम उनकी बात सुन लेते हैं और उसके बाद फैसला करेंगे हो सकता है कि ने मक्का और इनके दरमियान कुछ इख्तलाफ हो खानदानी इख्तलाफ हो इस से रोकना चाहते हैं अब जो लोग इनके साथ हैं और इनका चेहरा खुद मैं नहीं समझता कि झूठे हैं तो ये कह के वो अपने कान से रोई हटाते हैं है ना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते हैं और उस वक्त नबी वसल्लम तो कुरान की बाज आयतें पढ़ रहे होते हैं और कुरान का ऐसा अंदाज और ऐसा ऐसी तासीर उनके दिल में होती है कि वो सीधे सीधे नबी वसल्लम पास पहुंचते हैं कहते हैं कि तुम्हारा क्या पैगाम है तुम क्या बताना चाहते हो तो नबी वसल्लम ने जवाब में कुरान की आयतों की तिलावत की उसके बाद जिमात सीधे सीधे मुसलमान हो, हो जाते हैं तो कुरान की सुनने के साथ साथ आदमी के अंदर गैर मामूली उसका अंदाज होता है असरअंदाज होता है तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कुरान जब आदमी पूरे अरबी जबान जानकर पूरे जोको शौक के साथ पढ़ेगा तो वो कुरान पढ़ता नहीं बल्कि वो कुरान देख रहा होता है तो इस जुमले में जहां इन्होंने कहा, यूसुफ क्या तुम ही यूसुफ हो अब चाहे हम उर्दू में जो भी इसका तर्जुमा कर लें लेकिन अरबी का जुमले के अंदर जो मजा है उसके अंदर जो चाशनी है वो तर्जुमे में हम नहीं ला सकते बहरहाल ऐसे मालूम होता है कि वो उछल पड़े थर्रा कर रह गए पैरों तले उनकी जमीन हिल गई है ना पूरा जिसम उनका हिल गया और चीख कर कहने लगे कि तुम यूसुफ हो तो यूसुफ सलाम ने कहा कि मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है बिन्यामीन मैं यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है यूसुफ सलाम ने क्यों अपने भाई की तरफ इशारा किया ये ना समझ लेंगे कोई दूसरा यूसुफ ये ना समझ लें कोई एक दूसरा आदमी है उसका नाम यूसुफ है तो उन्होंने उस शक को खत्म करने के लिए कहा मैं ही यूसुफ हूं और ये जो है ना ये मेरा भाई है ताकि उनके जहन में कोई शक ना हो तो इस अंदाज से अब जैसे ही उन्होंने यूसुफ को देखा उनकी पूरी गलतियाँ उनके आँखों के सामने गुजरने लगी अब उन्हें उनकी ग़लती का एहसास हुआ इंतहाई शर्मिंदा हुए और खताकार होने का पूरा शूर उनका दिलो दिमाग में चलने लगा और पूरी मायूसी के साथ अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हो सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये हम हमसे गलती हुई हमने आपके हक में गलती की यूसुफ सलाम ने ये नहीं कहा कि अच्छा तुम लोगों ने इतनी बड़ी गलती की मुझे तुमने मारना चाहा अब ये हालत में अब मायूस हो खड़े हो अब देखो कि मैं तुम्हें कैसी सजा देता हूं ये नहीं कहा अब देखो कि मैं कैसे तुम्हें पीटता हूं अब देखो कि तुम सारों को उठाकर कैसे मैं मिस्र के कोम फेंकता हूं ऐसा कुछ भी नहीं कहा यूसुफ अल्लाम ने कहा ला कहा के आज तुम पर कोई मलामत नहीं माफ करे और माफी का यह जज्बा देखिए साथियों अल्लाह मुझे भी माफ करे जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी यानी ये बताना नहीं चाहते कि सिर्फ तुम ही खताकार हो उन्होंने अल्लाह की मगबरत को आपस में बांट लिया कहा कि हम और आप एक ही मरतबे के हैं अब किसी पर कोई मलामत नहीं हम और आप अब एक हैं ये अनबिया अलैहिस्सलाम के अखलाक होते हैं काश हमारे अंदर भी अखलाक आ जाए हमारे अंदर भी माफ करने का जज्बा पैदा हो जाए देखिए माफ करना ये बड़े लोगों का काम है जिसके दिल बड़े होते हैं वही माफ करते हैं जिसके दिल छोटे होते हैं वो माफ नहीं करते है ना बड़े दिल वाला आदमी माफ करने में मजा आता है एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसका नाम था हारून रशीद उसका लड़का था मामून ये पूरे तारीख इस्लामी में ये माफ़ करने का बहुत बड़ा माहिर था हर आदमी को माफ़ करता था खुद हारून रशीद की भी यह सिफत थी कि वो जो भी मसला उसके सामने आता और माफ़ कर देता था यहां तक कि हारून रशीद के ज़माने में बरामिका नामी एक बहुत बड़ा कबीला था उनके अहम अफराद वजीर बने बैठे थे जब उनसे गलती हुई उन्होंने हुकूमत को आमदा करने की कोशिश की तो हारून रशीद ने उन्हें कतल करने का हुक्म सादिर किया तो जब उन्हें कत्ल करने के लिए ले जा रहे थे तो बरामिका का जो बड़ा था जिसका नाम यही अलबरमकी उसने कहा कि सिर्फ एक मुलाकात बादशाह से करवा दें एक ही मुलाकात ज्यादा नहीं तो लोग आए आकर हारून रशीद से ये कहने लगे कि सिर्फ एक मुलाकात आप कर लीजिए उसके बाद जो भी है आप करें ठीक है आपने कतल करने का फैसला सुना दिया तो सही है वही होगा लेकिन एक बार मुलाकात कर लें हारून रशीद ने कहा कि नहीं मैं मुलाकात करूंगा तो माफ कर दूंगा कहा कि मैं मुलाकात करूंगा तो मैं माफ कर दूंगा ये मसला मुझसे जुड़ा नहीं है ये एक बड़ी खिलाफत को औंदा करने के लिए साजिश करना यह बहुत बड़ा गुना है और इस्लामी रू से उनकी सजा कतल है अगर वो मेरे सामने आएंगे हो सकता है कि मैं माफ करूं इसलिए मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहता तो यह बरामिका का चैप्टर उसी रट खत्म कर दिया जाता है तारीख का अहम वाक़ है उसी तरीके से उनके लड़के मामून को हम देखते हैं जिसकी पच्चीस साल रही बहुत बड़ा जबरदस्त आलिम तो आलिम, बहुत बड़ा मुजाहिद है ना वो अपने सुनहरे अकवाल में कहता है जैसे लोगों को हसद की वजह से जब बदला लेते हुए मजा आता है बस लोगों को बड़ा मजा आता है।, है ना जो जिसने उस उन पर झुलम किया या फिर इनका वो जिसे ये हसद करते हैं वो अगर इनके सामने मजबूर हो तो इन्हें बदला लेने में बड़ा मजा आता है तो मामून कहते हैं कि जैसे लोगों को बदला लेने में इंतकाम लेने में उनके सीने की आग बुझ उन्हें ठंडक महसूस होती है वैसे मुझे माफ करने में ठंडक महसूस होती है मैं जब भी लोगों को माफ करता हूँ मेरा दिल ठंडा हो जाता है और नबी वसल्लम ने तो इस बाब में सबसे बड़ा तारीख रकम किया है आप से ज्यादा कौन माफ़ कर सकता है, है ना आप अलैहि वसल्लम के अंदर इस आयत की ऐसी तासीर पैदा हुई जिस आयत के मैंने आपके सामने तिलावत की ला आज तुम पर कोई मलामत नहीं सिर्फ इसी आयत की तिलावत करते हैं आप बिल्कुल इसी आयत की तिलावत तिलावत करते हैं आप सल्लल्लाहु वसल्लम जब मक्का के अंदर फतेह मक्का के मौके पर मक्का में दाखिल होकर तमाम मुशरकिन मुशरकिन के सनादी बड़े बड़े सरखने जब आप अलैहि वसल्लम के साथ बेचारगी के आलम में खड़े हुए थे और आप चाहे तो एक इशारे में इन सबों के सरों को मार दिया जा सकता है कम अज कम इन्हें कैद किया जा सकता है कम अज कम इन्हें गुलाम बनाया जा सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इस आयत की ऐसी तासीर रही कि आप सलाम ने वही आयत पढ़ी कहा कि मैं आज सिर्फ वही कहने वाला हूं जो यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ कहा यूसुफ ने अपने भाइयों के कहा कि जाओ इधबु इधम जाओ चले जाओ आज से तुम रिहाशुदा हो कोई तुम पर मलामत नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्हुस यूसफ् के वाक में इस आयत का जिक्र उस मौके पर करते हैं तो इससे मालूम होता है कि सूरह यूसुफ का असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारी जिंदगी रहा और हकीकत में सूरह यूसुफ के वाक़यात का हम मुताला करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जिस अंदाज से उतार चढ़ाव आए जिस अंदाज़ से आप सल्लम की तरक्की होती गई बिल्कुल अलैहिस्सलाम की तरक्की से बिल्कुल सिमिलर बिल्कुल मुशाबे है तो नबी वम को अल्लाह ने सूरत नाजिल करके पहले ही दिलासा दे दिया कि देखो भाई दिक्कतें आएंगी ज़िंदगी में नशे व फराज आएँगे खुशी गम ये मरहल तुम्हें तय करना है लेकिन अल्टीमेटली आकेबत तुम्हारे लिए है तुम ही जीतने वाले हो जैसे यूसफ़ो हमने जीत दी थी तो यूसुफ्सम ने अपने भाइयों को माफ़ किया और भाई मायूसी के आलम में खड़े हुए हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबों से गले मिलाया और सबों को कहा कि आज के बाद हमारे दरमियान जो भी था वो सब कुछ खत्म हो गया तुम मेरे भाई हो तुम्हारा वही मर्तबा है मेरी नजर में जो पहले हुआ करता था तो भाइयों ने कहा कि आपकी याद में आपके वालिद का मामला तो बड़ा ही अनोखा है बड़ा ही अजीब व गरीब है उनकी आंखें सफेद हो गई हैं वो अंधे हो गए हैं आपके गम में रो रो कर तो यूसुफ ने अपना कमीज उतारा और कहा कि ले जाओ इस कमीज को और वाली साहब के चेहरे में डाल देना जैसे ही यह कमीज उनके जिस्म को लगेगा तो उनकी आंखों की बिनाई वापस आ जाएगी और अपना कमीज़ उतारते हैं और अपने भाइयों को देते हैं और बड़े बेहतरीन अंदाज से उनके साथ सलूक करते हैं और बादशाह के भाई हैं पूरी रियाया उनकी इज्जत करती है उनके रहने सहने का बेहतरीन इंतजाम हो जाता है व फाका खत्म मोहताजी का दौर खत्म और उसके बाद यूसुफ कहते हैं कि जाए जाकर ले आए वालिदैन को पूरा खानदान पूरा कुंबा पूरा कबीला मिस्र लेकर आ जाए तुम्हारे लिए इस मुल्क में इज्जत है तो ये भाई जाते हैं और जाते हैं अब वहां पर बड़ा ही अजीब गरीब वाकया पेश आता है जैसे ही भाई मिस्र से निकले तो याकूब सलाम ने अपने लोगों के पास हो सकता है कि उनके बेटों के बेटे हो रहे हों या फिर उनके पोते नवासे रहे हों या फिर दूसरी औरतें उनकी बीवियां रही हों तो याकूब सलाम ने जैसे ही ये मिस्र से निकलना शुरू करते हैं याकूब आसमाम वहां कहते हैं कि इीलाजीद रिहा यूसुफ़ लौला तुफन्दून कहा कि मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है कहते हैं कि मुझे यूसुफ़ की खुशबू आ रही है मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं तुम लोग ये ना कहो कि ये बूढ़ा हो गया है सटिया गया है इसका दिमाग खराब हो गया है ये कहीं तुम ना कहो हकीकत यह है कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है तो वहां के लोग जो थे उन्होंने कहा कि दादा साहब बुजुर्गवार आप तो अभी वो गुमराही में पड़े हुए हो यूसुफ को अभी याद कर रहे हो उसका तो चैप्टर कब का क्लोज हो गया है, है ना कब का उनका मामला खत्म हो गया है कौन जानता है जमीन के कौन से हिस्से में वो हैं है या नहीं है कौन जानता है वो सब मिलके इस बुजुर्ग हस्ती पर लानो तान करते हैं कहते हैं कि ये क्या है आपका पुराना तरीका ये क्या है अभी यूसुफ को आप याद करें बैठे हो लेकिन याकूब ये कहते रहे कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है अब ये कहते रहे कहते रहे चंद दिन गुजरे ये बड़ा सफर करने के बाद सीधे फलस्तीन पहुंचते हैं उस जमाने में याकूब सलाम खलील नामी एक इलाके में रहते हैं जिसे आज भी इसराइल के अंदर वो एक बहुत ही मशहूर सिटी है जिसे गलीलियों कहते हैं है ना इसराइल के अंदर एक मशहूर सिटी वहां याकूब सलाम रहते थे तो वहां पर याकूब रहते थे और ये बड़ा सफ़र करने के बाद ये लोग जब पहुंचे तो याकूब आलम जैसे जैसे करीब आते गए तो उन्होंने कहना शुरू किया कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है और सब भाई दाखिल हुए घर में और उन्होंने जब याकूब को देखा तो याकूब आलाम समझ गए कि यहाँ पर यूसुफ का कुछ सुराग तो मिला हुआ है तो उसके बाद वो आगे बढ़े उन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात हमारे भाई यूसुफ से हुई है और यूसुफ अब कोई मामूली आदमी नहीं है यूसुफ अब बादशाह है मिस्र का बादशाह है है ना सबों ने मिल यूसुफ की तारीफ की और उसके बाद उन्होंने कमीज निकाला और उनके वालिद के चेहरे में डाला अब यहां पर अनबिया का मौजा जाहिर होता है यूसुफ असलम का मौजा जाहिर होता है कि जैसे ही कमीज उनके आंख पर पड़ती है आंख की रोशनी वापस आ जाती है ये बुजुर्गवार बुजुर्ग हस्ती अब सारी दुनिया को देखने लगते हैं और उस कमीज को अपने पास बड़े जतन से रख लेते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि यूसुफ कैसा है उन्होंने कहा कि यूसुफ ने आपको बुलाया है अब हमें यहाँ से निकलना है फख्रो फाक़े का दौर खत्म अब हमें जाना है अब हम पैलेस में रहने वाले हैं अब हम बादशाहों के साथ रहने वाले हैं ये कह के पूरा कबीला वहां से निकलता है ये जो कबीला निकला इसी को बनो इसराइल कहते हैं याकूब अल्लाम का एक नाम इसराइल था असल नाम उनका इसराइल था इसराइल हिब्रियो लैंग्वेज का वर्ड है इसका माना आता है अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा ये यूसुफ याकूब आलाम का असल नाम था अब याकूब आलाम ये किताबों में मशहूर हो गया अब इसके मशहूर होने के पीछे क्या असबाब है अल्लाह बेहतर जानता है हो सकता है कि एक लकब हो बहरहाल कुरान ने कहा कि याकूब ही इसराइल है।, है ना और इसराइल याकूब का नाम था और उनकी औलाद को बनू इसराइल कहा गया अब यहां जितने भी हैं ये याकूब आलाम की औलाद थी ये बारह बेटे थे इन्हीं को बनु इसराइल कहा गया तो यहां यहाँ पर बनु इसराइल फलस्तीन छोड़कर पूरी की पूरी मिस्र जा रही है तो याकूब का पूरा कबीला निकलता है अब ये मिस्र में चले जाते हैं और जैसे ही ये मिस्र में दाखिल होते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनके इस्तकबाल का बड़ा ही जबरदस्त इंतजाम किया है ना बादशाह के वालिद आ रहे हैं और ऐसे वाकियात के बाद ये आ रहे हैं तो यूसुफ सलाम ने इनका बड़ा ही वार्म वेलकम किया और ये आए तो वालिद साहब से चिमट गए बाप बेटे बहुत देर तक रोते रहे और उसके बाद उसके बाद वो हुआ जिसे यूसुफ ने पहली बार देखा उसके बाद ये हुआ कि बाप बच्चे सब खड़े हो गए है ना उनकी वालिदा भी उस उस वक्त साथ थी यूसुफ अल्लाम की वालिदा भी याकूब सलाम के साथ थी ये सब खड़े हो गए और इन्होंने यूसुफ सलाम को बादशाहों का सलाम किया बादशाह जब दरबार में आते हैं तो दरबारी बादशाह के सामने सल्यूट करते हैं अब उस जमाने का तरीका यह था कि वो बादशाह के सामने झुकते हैं तो आधा रुकू समझिए आप आधा रुकू करते थे ये बादशाह की ताजीम के लिए वो जमाने का तरीका था

तो नबी सासम कहते हैं कि मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर के लिए सजदा करें लेकिन हमारी शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा करना बिल्कुल जायज़ नहीं यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़े आलिम का वाक़ याद आ रहा है जिनका नाम था अल-बाकिलानी। एक मरतबा रोमन बादशाह ने इस्लामी खलीफा को ख़त लिखा कहा कि तुम्हारे बेहतरीन आलिम को भेजो अब हम पर हम लोग मुसलमान और ईसाई के दरमियान डिबेट करने वाले हैं तुम्हारा पास जो बेहतरीन है भेजो हमारे दरबार में चेक करेंगे कि कौन हक पर है तो उस वक्त का खलीफा उसने जो है बिल बिलातफाक बानी को बुलाया कहा कि आप जाए तो एक अकेले गए तो वहाँ के बादशाह ने कहा कि एक आदमी आए हैं हम तो समझ रहे थे कि पूरी ग्रुप आएगी तो कहा गया कि एक आदमी काफ़ी है आप लोगों के लिए एक आदमी तुम लोगों के लिए काफ़ी है अब बादशाह ने फौरन अपने उजारा को हुक्म दिया कि ये जो आ रहे हैं ये मुसलमानों के बड़े आलिम हैं अब मुसलमानों के पास अल्लाह के अलावा किसी के पास सजदा करना जायज़ नहीं अब आप लोग मेरी दहलीज का चौकट इतना छोटा कर दो कि ये मजबूरन झुक कर आए बादशाह चाहता है कि सब उसके सामने झुके अब एक आदमी अगर ना झुके तो वो अपनी तोहहीन समझता था तो इसने उन्हें मजबूरन झुकाने के लिए चौकट को दहलीज को इतनी छोटी कर दिया कि वो आए तो कर आए तो उसने इंतजाम बादशाह और, तो और बेजत हो गया और पलट कर दाखिल हुए और उसके बाद सामने बादशाह के पास खड़ा तो बादशाह के चेहरे में पानी निकल गया और सीधे गए मजलिस में बगैर किसी रोब के बगैर किसी जो है डर के सीधे जितने भी बाशा के मजलिस में जितने भी पादरी थे सबों से कहा कि कैसे हैं आप लोग आपकी बीवियां कैसी हैं आपके बच्चे कैसे हैं ये पादरी लोग शादी नहीं करते ना इन्होंने कहा कि तुम्हारी बीवियां कैसी हैं तुम्हारे बच्चे कैसे हैं सब पादरियों को गुस्सा गया उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ तोहिन कर रहे हो हम लोग शादी नहीं करते हमारे यहां बच्चे नहीं होते तो बाकिला ने कहा तो तुम्हारा रब शादी करता है उसका बच्चा होता है वो तुम मान लोगे तुम्हारी शादी नहीं होती तुम्हारे बच्चे नहीं होते ये जिल्लत तुम अपने लिए पसंद नहीं करते और तुम कहते हो कि खुदा का बेटा है सब खामोश कहा हो डिबेट खत्म निकल गए घंटे मामला खत्म तो यहां पर जो है बादशाह के सामने सजदा करना एक कदीम जमाने से तरीका था तो यूसुफ सलाम खड़े हो गए और उनके सामने उनके भाई और उनके वालिदैन सबों ने वो बादशाह वाला सलाम किया अब जैसे ही ये सलाम हुआ तो यूसुफ़ ने याकूब से कहा, या अबती ए अब आपको पता चल गया मेरे ख्वाब की क्या ताबीर है क्योंकि वो बचपन में ख्वाब देखे थे और उसी से वाक्य शुरू होता है, मैंने, मैंने है ग्यारह सितारों को एक चांद एक सूरज को मुझे सजदा करते हुए देखा अब जैसे ये ख्वाब याकूब ने सुना तो फौरन कहा कि अपने भाइयों को मत बताओ तुम्हारा मामला कुछ अलग होने वाला है तुम्हारे साथ अल्लाह कुछ खास इंतजाम करने वाला है तो पर ब्या परूसुफ् इस मौके पर खड़कर यूसुफ खड़ कर यूसुफ्लाम कहते हैं हादा कहते हैं कि ये मेरे ख्वाब की ताबीर है जो हो रही है ये मेरे ख्वाब की ताबीर है ये हो रही है तो उसके बाद यहां पर कुरान ने यूसुफ आलाम की वाकयों को रोक लिया उसके बाद ऐसे मालूम होता है बस तारीखी रिवायत से बात मालूम होती है कि कूब आसलम मिस्र में रहे और वो सत्रह साल तक ज़िंदा रहे और उसके बाद उनकी वफ़ात हुई तो उन्होंने यूसुफ़ से कहा कि मुझे मेरे वालिद और मेरे दादा के साथ दफ़न करना तो यूसुफ यूसुफ्लम ने बेहतरीन इंतज़ाम किया उन्हें मिस्र से फ़लस्तीन पहुंचाया और जहां इब्राहिम आसमाम और जहां जहाँ इसहाक़ल दफ़न थे वहां पर याकूब आसमाम को दफ़न किया गया अब ये यहाँ पर याकूब अलैहिस्सलाम कहा जाता है कि उनकी उम्र 130 साल की थी और कहा जाता है कि उनकी उम्र 140 साल की थी अब इस वक्त या यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग 60 से ज़्यादा थी जब वो छोटे थे अब वहाँ से आप हिसाब लगाइए वो आए तो बादशाह के पास नौजवान हुए और जब नौजवान हुए तो फिर जेल चले गए जेल में आप कहिए सात साल दस साल जेल में रहे और उसके बाद चौदह साल कैद साले के गुजरे एडमिनिस्ट्रेशन के गुजरे और उसके बाद इनका जाना उधर से आना और याकूब का मिसर पहुंचना उसके बाद उनके सत्रह साल गुजरना तो यूसुफ को अल्लाह ने बड़ी लंबी जिंदगी दी थी अब उसके बाद जब यूसुफ मौत के करीब पहुंचे यानी उससे पहले उनके वालिद याकूब मौत के करीब पहुंचे सूरह बकरा में ये आयत का जिक्र है कि याकूब को जब मौत याकूब अल मौत जब याकूब को मौत आया तो याकूब ने बनी इसराइल से पूछा कि मेरे बाद किसकी तुम इबादत करोगे तो सबों ने कहा कि हम तुम्हारे रब तुम्हारे वालिद के रब इसहाक के रब और इब्राहिम के रब इनकी मैं हम इबादत करेंगे तो याकूब आसम ने बायदा इन लोगों से अहद लिया था कि शिर्क नहीं करेंगे और दीन इब्राहिमी में कायम रहेंगे ये अहद लेकर याकूब आलम वफात पाए थे तो उनके भाई सब दीन इब्राहिम में रहे और इनकी नस्ल उसी मिस्र में चलने लगी और अल्लाह ने इनकी नस्ल में बरकत डाली और ये बिल्कुल बादशाहों की ज़िंदगी गुजारते थे और चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी बादशाह थे और इस अंदाज़ से बनी इसराइल को अल्लाह ने बेहतरीन तरीके से मिस्र के अंदर एस्टैब्लिश किया अब उसके बाद दो सौ साल तक बनी इसराइल मिस्र के अंदर बड़ी ताकत में रही अब जब इनके पास बहुत ज़्यादा ताकत आ गई तो ये गुरूर में आ गए इन्होंने पर जुल्म किया फिरोनियों पर जुल्म किया तो अल्लाह ने बने इसराइल को पकड़ा उन्हें इतना जलील किया कि उन पर फिर लाकर खड़ा कर दिया तो उसके बाद 200 साल तक ये फिर यहां गुलाम थे फिर इनके लिए झोपड़ो पट्टियों को बनाया और दूर दराज इलाके में इन्हें सेटल किया सिटी में रहते नहीं थे है ना सिटी में आते और लेबर का काम करते और वापस जाते अपने अपने इलाकों में रहते तो इंतहाई जिल्लत आमोज तरीके से फिर ने बनी इसराइल के साथ सुलू किया ये अलग तारीख है ये जब मूसा सलाम पर गुफगू करेंगे पूरी तफसी आपके सामने आएगी तो यहाँ पर बताना मकसद ये है कि यूसुफ् के बाद यहाँ पर बनी इसराइल को पूरी इज्जत मिली और पूरी ताकत के साथ बनी इसराइल परवान चढ़ी और बड़ी तरक्याँ उन्होंने इस ज़माने में की अब यहाँ पर जब यूसुफ की वफ़ात के करीब वह पहुँचे तो उन्होंने वो तारीख दुआ की जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है

तो मुस्लिम वनी मुझे मुसलमान के हालत में वफात देना और मुझे में शुमार कर देना तो यूसुफ़ की दुआ अल्लाह पर नकल करता है मुफसरीन ने कहा कि यूसुफ की ये आखिरी दुआ थी उसके बाद यूसुफ यूसफ़ वफात पा गए जब वो वफात पा रहे थे उन्होंने बनी इसराइल और उनके औलाद से उन्होंने अहद लिया कि मेरी वफात के बाद मुझे तुम कहाँ दफन करोगे जहाँ मेरे वालिद मदफून हैं मेरे दादा और मेरे परदादा जहाँ मदफून हैं, वहाँ पर मुझे पहुँचाओ, वही हमारी जमीन है वहाँ मुझे दफन करो लेकिन बनी इसराइल ने गलतियाँ की उन्होंने यूसुफ को वहीं दफन कर दिया उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ नहीं दफन किया फलस्तीन में दफन नहीं किया उनकी खबर वहीं रही कब तक रही लगभग चार साल तक रही यहाँ तक कि जब मूसा आसमाम आए उन्होंने काम किया जब हम मूसा आसलम की जिंदगी में गुफ्तु करेंगे तो हम बताएंगे कि कैसे यूसुफ की नाश को निकाल कर उन्होंने फ़लस्तीन कैसे पहुंचाया ये इनशा मूसा सलाम की तारीख में आपके सामने आने वाली है जैसे ही ये दुआ ख़त्म हुई अल्लाह अल्लाबहान बेहतरीन अंदाज से इस सूर्य का जो है आखिरी हिस्सा बयान करता है सूर्य को पाए तकमील तक पहुंचाता है वहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ये कहता है कि कुलहद ही सबील अजूल अबी सलम आप कह दो कि यही मेरा रास्ता है जिसके तरफ मैं सारी दुनिया वालों को बुलाता हूँ और जो लोग मेरी इतबा करते हैं वो भी इसी रास्ते की तरफ सारे दुनिया के लोगों को बुलाते हैं तो यहाँ पर नबी साम का रास्ता इसके तरफ आकर अमल करने का इस आयत के आखिरी में जिक्र है और उसके बाद ये सूरत के आखिरी में अल्लाह सुबहाना तला ने इन वाक़ात बयान करने का मकसद बयान किया لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون كي اللہ نے کہ ان واقعات میں ہم نے ان واقعات کو ہم نے اس كونك ان واقعات میں ہمارے لئے عبرت کی بہت ساری باتیں ہیں یہ واقعات ایسے ہی نہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لئے رولی لوری دینے تھوڑی دیر کے لئے آپ کا دل بہلا ایسے واقعات نہیں ہیں. इन वाकयात में हमारी जिंदगी के लिए ढेर सारे फायदे रखे गए हैं ढेर सारी इबरत की बातें हैं और इसमें तफसील है है ना जिंदगी गुजारने की पूरी तफसील है अल्लाह की तरफ से हिदायत है रहमत है ईमान वाली कौम के लिए यहां पर यह सूरत खत्म होती है तो अजीज साथियों हमने इस मुबारक सूरत और इस वाकये को तफसील से सुना आखिर में यूसुफ की जिंदगी से जो बहुत बड़ी नसीहत हमको मिलती है वो उसके तरफ मैं इशारा करके अपनी बात खत्म करूंगा सबसे बड़ी नसीहत यूसुफ की जिंदगी में हमारे लिए अल्लाह ने जो रखा है वो ये है कि अगर आप आजमाइश में भरपूर उतर जाओ आजमाइश में आप अल्लाह ही की तरफ रुजू करो आजमाइश आने वाली है है ना ये दुनिया ये जमीन आपके लिए फूलों से भिजाया हुआ कोई बस्तर नहीं कि आप चल के आसानी से आ जाएं, है ना यहाँ पर कांटे हैं कदम कदम पर आपको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है कि कहीं आपके कदम फिसल ना जाए तो जब आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है अगर आदमी ने अल्लाह से मदद मांगते हुए अल्लाह से डरते हुए उस आजमाइश को झेला तो उसके बाद होता यह है कि अल्लाह सुबहाना ताला उस आदमी के लिए दुनिया और आखिरत के पूरे रास्ते आसान कर देता है सलाम के जमाने में उनकी जिंदगी से यह बहुत बड़ी इबरत है नंबर दो इबरत यूसुफ की जिंदगी से वो ये है कि आदमी उस वक्त बड़ा होता है जब वो माफ करता है जो बदला लेता है जो इंतकाम की भट्टी अपने सीने में भड़कने छोड़ता है वो आदमी बड़ा आदमी नहीं हो सकता चाहे उसे जितना भी नुकसान हो जब किसी ने माफी मांगा तो माफ करना ये अनबिया आम का अखलाक है और नबी सल्लम ने यूसुफ से ये अखलाक सीखा और आप सल्लम ने इम्प्लीमेंट किया कब फतेह मक्का के मौके पर और जैसे उसकी तफसील आपके सामने आई और तीसरी नसीहत यूसुफ की जिंदगी से ये है कि आदमी को अगर ताकत मिले जमीन में पॉर मिले तो आदमी घमड़ ना हो जाए आदमी अपनी हकीकत को जाने है ना अपने बचपन को सोचें जहां से निकल आया उन मरल को याद रखें तब जाके वो आदमी बड़ा बनता है इनकी ज़िंदगी के नसीहतों के ताल्लुक से बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई मैंने आपके सामने चंद नसीहतें पेश की और दौरान वाकयात मैंने बहुत सारी वाकयात बहुत सारी बातें नसीहत के तौर पर मैंने आपके सामने कही तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर यूसुफ यूसुफ़लम की वाक़े को ख़त्म किया इन आइंदा के मजलिस में हम सलाम के वाकयात आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमने जो भी कहा है जो भी सुनाए इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक बख्शे सुबह रबिफून वन अलमरसलीहिला मौजू के मुतल कोई सवाल है तो कर सकते हैं हाँ सवाल ये कर रहे हैं कि यूसुफ असलम ने क्यों उन्होंने फलस्तीन में दफन होने की ख्वाहिश का इजहार किया और उनके वालिद भी वहीं उन्होंने दफन हुआ क्योंकि आप जानते हैं अल्लाह ने कुरान में भी कहा है बिअब्दिही लैलन मिनल लज़ी बारकना हौलह अल्लाह ने फलस्तान की जमीन के ताल्लुक़ से कहा कि इस जमीन में हमने बरकतों को नाजिल किया है ये जमीन मुबारक जमीन है तो हर नबी की ख्वाहिश होती थी कि उस जमीन में उन्हें दफन हो तो चूंकि मुबारक जमीन थी तो वहां वो दफन होना चाहते थे तो यही असल मकसद है बरकत वाली जमीन में वो दफन होना चाहते थे आलम अच्छा सवाल ये कर रहे हैं कि यूसुफ को बनी इसराइल के लोगों ने क्यों उधर लेकर जाकर दफन नहीं किया है ना बनी इसराइल का मसला ही तो यही है ना न जमीन में ताकत मिलती है उन्हें अल्लाह ने ज़मीन में ताकत दी हुकूमत दी इज्जत दी तो उन्होंने क्या क्या उन्होंने नाफरमानी की ये कौम के अंदर मसला ही शुरू से यह था कि नाफ़रमान कौम थी यह अनबिया की नसीहतों पर अमल नहीं करती थी अब उनके साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया हो सकता है कहा हो कि फिलहाल यहाँ दफन कर दे बाद में निकाल लेंगे है ना या फिर उनके दरमियान इख्तलाफ उन्होंने कर लिया हो है ना या फिर उन्होंने भुला दिया हो नसीहत को भुला दिया हो बहरहाल उन्होंने इसे नहीं किया उसके बाद उनके औलाद में से यूस मूसा आए उन्होंने उन्हें लेकर जाकर वहां पर दफन किया अल्लाह हाँ बहुत ही अहम सवाल आपने किया बहुत ही अहम सवाल किया है ना ये तो दुआ बड़ी मशहूर है हमारे निके नहीं होते दुआ के बगैर है ना है ना अल्लाम बन अल्लाफ तूसुफ व जुल्हे खा है ना ये दुआ जरूरी है अगर नहीं पढ़ेंगे तो पूछते हैं क्यों नहीं वो आपने दुआ नहीं पढ़ा याद रख लीजिए ऐसी कोई दुआ ही नहीं ऐसी कोई दुआ है ही नहीं ना वो निके की मजलिस में पढ़ने वाली दुआ है है ना वहां पर निके की मजलिस में खुतबा पढ़ा जाता है ईजा व कबूल होता है मेहर की तयन होती है बस वहां पर कोई इज्तमाही दुआ है ना ये कोई चीज़ें साबित नहीं है निकाँ की मजलिस ख़त्म मुबारकबाद दे लें और उसके बाद जाएँ फिर वलीमे में, में आए खाने के लिए है ना अब हम लोगों ने उस निका की मजलिस में ऐसे ऐसे रस्म शुरू कर लिए है ना इतना मुश्किल कर लिया वहां पर एक गोया के बहुत बड़ा जश्न हो रहा है ये ज़... शादी का माना ही आसानी है है ना आसानी अगर ना हो तो फिर मुश्किल है बहरहाल ये जो कहा जाता है कि यूसुफ ने बाद में जुलेखा से शादी किया यह बिल्कुल तारीख से इसका कोई सबूत नहीं मिलता कोई जो है इसका सबूत अलबतः बाज बनी इसराइल के झूठे वाक़ हैं जिनमें इसका जिक्र मिलता है उसे लेकर लोग उसे मशहूर कराते हैं इसका जिक्र कहीं में नहीं मिलता कि यूसुफ जब इस मरहले को पहुंच गए थे तो जुलेखा का क्या हुआ इस ताल्लुक से अल्लाह ही बेहतर जानता है अब क़ियामत के दिन अल्लाह से हम पूछें कि जुलेखा का क्या हुआ अब हमारे पास कोई सोर्स नहीं है जानने के लिए कि उधर जुलेखा के साथ क्या हुआ अजीज मिस्र का क्या हुआ चूंकि यूसुफ को अल्लाह ने इतनी ताकत दी इतनी रोशनी की इस रोशनी के सामने ये छोटी मोटी टमटमाती किरणें खत्म हो गई यही हम कह सकते हैं तो कोई सबूत नहीं मिलता कि यूसुफ ने उनसे शादी की ऐसा जो है बिल्कुल कोई सबूत नहीं मिलता आलम ठीक है मजे खत्म करते हैं सुहामदे